हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो हमारे साथ स्टूडेंट है 28 सितंबर की बेच के, आप अपना नाम बताइए। हेलो संगे, मैं वासुदेव ओडिशर हूँ। आज हमारा क्लास थी फिंगरप्रिंटर क्लास थी रेडमी नोट 5 रो। तो मु आज क्लास रे जहाँ पढ़ी से सब जहाँ मुझे जाणी से जनवाक चाहूँगी और फिंगरप्रिंटर कोड को सब बताया चाहिए। तो सांग मैंने फास्ट पॉइंट आमर डायोड लगिकी आई एल टी जा सीपीयू आउ दि नंबर पॉइंट ग्राउंड, तीन नंबर पॉइंट ग्राउंड आ चार नंबर पॉइंट आमर भिआरजी 1.8 वोल्ट सीपीयू पावर पावर में जाऊँ। पांच नंबर पॉइंट भिआरजी 1.8 वोल्ट पावर में जाऊँ। छः नंबर पॉइंट आम कैपासीटर लगिकी सीपीयू में जाऊँ क्लॉक। सात नंबर पॉइंट आमर सीएलएस जाऊँ सीपीयू में। आठ नंबर पॉइंट आमर जाशो जाऊँ सीपीयू में। नौ नंबर पॉइंट आमर मोसी जाऊँ सीपीयू में। दस नंबर पॉइंट आर एस टी आमर जाऊँ सीपीयू में। आपको पूरा नॉलेज हुआ है, एक एक पिन का नॉलेज हुआ आपको, कौन सी पावर में जा रही है, कौन सी सीपीयू में जा रही है, कब आपको किस लेवल का काम करना है। तो क्या हम जो जिन जिन पिनों पे आपने डीएसओ लिखा है इस पर हम डीएसओ से चेक कर सकते हैं? हाँ, जो भी पिन सब अच्छी मुझे डीएसओ से चेक कर पारी। और पूरा नॉलेज मोर अच्छी सीपीयू फिंगरप्रिंटर को पॉइंट कोड भी जाऊँ डीएसओ में चेक कर पारी। हमारे साथ है 28 सितंबर की बेच। यस सर। कौन कौन लाइव है भाई? यस सर। सब लाइव है? यस सर। तो ये बताओ क्या क्लास थी आज हमारी? सिम सेक्शन था, फिंगरप्रिंट था, फिंगरप्रिंट सिम सेक्शन और कैमरा की क्लास थी आपकी। यस सर। और सिंट्रे की जो सेक्शन आपको मिला है ना ये जी ये सेक्शन इंस्टीट्यूट में स्कीप होते हैं। हाँ, होते नहीं, बताया था सर ने। yes, ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाती। yes, उसका भी डिग्री नॉलेज मिला कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल के? yes, sir. एक्सप्लेनेशन के? yes, sir. ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? yes, sir. आपको फर्क मालूम पड़ा? आप जिस प्रकार से पहले सिम ट्रे को देखते थे, आज सिम ट्रे को देखने का फर्क मालूम पड़ा? yes, yes, आपका हेडफोन का किसी भी प्रकार का फॉल्ट आता है उसको डायग्नोस करने का आप सकते हैं। yes, अब ये बताओ मेरे को कि हेडफोन को कौन एंड तक पेड टू पेड आईसी की पेड तक ट्रेस कर सकता है? yes, sir. Yes, sir. सकते हैं। अभी आपको कोई दिक्कत होगी क्या? no, sir. किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी? no, sir. अब ये बताइए मेरे को कि मैं तीसरे दिन की फिर से बात करूंगा, ऐसा कौन शख्स है कि जो इन्हें पावर नहीं लगाई, और कैसा कौन शख्स है कि जिसने पावर लगाई? सबने लगाई। ऐसा कौन बंदा है जिसने चौथे दिन सीपीयू नहीं लगाया और आप अभी तक भी सीपीयू नहीं लगा? ऐसा कोई बंदा है क्या? किस किसने लगाई? सबने लगाई। ऐसा कोई बंदा तो नहीं बचा जिसने नहीं लगाई? अच्छा, ये बताइए मेरे को कि अभी तक अगर मैं आपके सामने कोई सी भी ऐसी ड्राइंग करता हूँ तो उसकी पेड लाइन तक एंड तक कौन कौन पहुंच सकता है? विद कंपोनेंट के? यस सर। विद लॉजिक के? यस सर। विद मल्टीमीटर के? यस सर। विद डीएसओ के? यस सर। एंड तक कौन कौन पहुंच सकता है? आप पहुंच सकते हो? यस सर। अभी जो सेक्शंस हो रहे हैं आपको, तो वो किसी को समझने में दिक्कत हो रही क्या? नो सर। इसका रीजन क्या है? देव सर। कौन है रीजन? देव सर। एक फैक्टर है आपके साथ में? यस सर। उनका नाम क्या है? देव सर। एक क्लैपिंग उनके लिए। यस सर। क्या सेक्शन है? नेटवर्क। सब फंसते हो ना? यस सर।
किसी को डायग्नोस करते नहीं आता ना मालूम नहीं है ना मंडल की कार्ड कहाँ लगाए डीएसओ की कार्ड कहाँ लगाए कौन सी आईसी पे काम करे कौन सी आईसी पे काम नहीं किए सर हमने इसका सीपीयू रिवॉल्व कर दिया जी सर 2G PFO बदल दिया हमने 4G PFO बदल दिया हमने डीआरएक्स आईसी को चेंज कर दिया है ना हमने एपीटी मॉड्यूलर को चेंज कर दिया अब उसके बाद क्या है ना आज है तुम्हारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह कल होगा आपके पास इसका सॉल्यूशन और इसी टाइम मिलेंगे अपन है ना तो मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा आगे आइए आर यू एक्सपीरियंस होल्डर फॉर दिस फील्ड बट बाकी अभी आपका जो एक्सपीरियंस था 13 साल का या 10 साल का जो एक्सपीरियंस था उसके उसके बारे में बताइए और मुझे अब के बारे में बताइए पहले तो सर ये एकदम छोटा मोटा काम कर लेते जैसे कोई सॉकेट है वगैरह नॉर्मल ट्रेसिंग कर लेते चार्जिंग नॉर्मल देख लेते मतलब एकदम डीप लेवल देखा आईसी पैड लेवल तक वगैरह ट्रेसिंग इतनी सब नहीं आती थी सर अभी नॉर्मल काम करते थे पहले अभी जैसे आज फॉर एग्जांपल बात करूँ फिंगरप्रिंट सेक्शन हाँ जी फिंगरप्रिंट बोलो आप हेडफोन सेक्शन बोलो ठीक है देखिए बात सुनिए ये फिंगरप्रिंट सेक्शन हमने पढ़ा है अभी तक के 2021-2022 के बाद 2025 में अगर कोई फिंगरप्रिंट का नया प्रोटोकॉल आ जाएगा तो आप उसको समझ सकते हो हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं सर रीजन क्या है आपको आपको क्या आ गई कोडिंग आपको कोडिंग का नॉलेज जो सर ने कोडिंग पढ़ने का नॉलेज दिया आपको लाइनों का नॉलेज दिया इस वजह से आपका क्लियर हो जाएगा आपको स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए और स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको एक बार देखना है अभी फिंगरप्रिंट के आपको सारे प्रोटोकॉल मालूम है सीएस प्रोटोकॉल मालूम है हेडफोन के प्रोटोकॉल मालूम है जो भी नियर अबाउट जो भी सेक्शंस गए हैं उसके बारे में सारी सब कुछ जानकारी है आपको तो चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा क्या नाम है आपका संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं तो सीपीयू निकालना हूँ कौन सा फोन है ये MI Y1 है जी तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं